तो वैसे एलवी शादव को लेकर एक काफी गुड न्यूज आ रही है तो गुड न्यूज लेके आ रहा हूं तो वीडियो को भी लाइक कर देना जहां एलवी शादव को बेल नहीं मिल पा रही थी तो उसी चीज को लेके जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो वहां पर एक धारा लगी हुई थी जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल सकती थी बट सीधा ही कोर्ट ने ये पूछ लिया की ये धारा किस बेसिस पे लगाई गई और क्या सबूत है आपके पास तो वहीं पर पुलिस ने फिर माफी मांगी कि हमसे ये गलती से लग गई और हमने ये गलती से लगा दी इनके ऊपर धारा तो वहीं पर कोर्ट ने सीधा ही बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन अवेलेबल है तो ये चीज तो काफी ज्यादा बड़ी है तो अब क्या एलवी शादव जल्दी बाहर आपको

न्यूज मीडिया चैनल्स पे भाई कांट रिली यू कि वो किस फेस से गुजर रहे है नो? जिन हैं है. really है, है. ठीक है एक पॉइंट के लिए मान भी लो कि एलविश ने गलती कर दी बट अभी जजमेंट आनी बची है बट अभी फैसला आना बचा है अगर गलत होगा एलविश तो मैं बोलता हूँ भयंकर दस साल की बीस साल की जेल कर दो कोई दिक्कत नहीं है बट अभी तक ना जजमेंट आई नहीं है अभी केस चल रहा है है ना तो केस के जजमेंट से पहले ही अगर हम उसे ऐसे घोषित कर दें ये तो ड्रगिस्ट है ये ऐसा है ये मुजरिम है तो फिर यू you नो know, वो चीज करना ना थोड़ी सी गलत हो जाएगी बिकॉज वट आई फील लाइक कि अभी फोने दो प्रोसेस जो भी